जो हमारा मेन पर्पस था वो भी हो गया और मेरे साथ आया है जो ये तो हमारा क्या चलेगा जी। तो मैं फिर तो आपसे मिला ही निकल और आज उठ गए थे, नाश्ता पानी हो गया है, टाइम अब हो गया है लगभग 11 बजे का। और अब भैया और शौर्य जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सा सामान लेने और नाना जी सो रहे हैं यहाँ पे। तो मिक्सर जो है वो ख़राब हो रखा है तो मिक्सर ठीक कराने जा रहे हैं, तो आ जाएंगे दोनों थोड़ी देर में। मैं भी थोड़ा काम देख रहा हूँ फ़ोन का ही और फिर देखते हैं आज क्या रहेगा। बाकी सुबह थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी नहीं, ठीक ठाक सी बारिश हुई थी। हाँ जी, सुबह ठीक ठाक सी बारिश हुई थी, अब तो खैर नहीं है। और मैं नीचे आ गया था क्योंकि ऊपर तो चल रही है सफाई, क्लीनिंग चल रही है ऊपर, तो मैं नीचे आ गया था। और फिर वे अपना स्टडी कर रहे हैं, फिर देखते हैं, फिर बाथिंग वाथिंग और देखते हैं बारिश ने साथ दिया, मतलब बारिश ना हुई तो खेत में जाएंगे आज, आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी देखते हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो जो भी कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ की लोकल मार्केट है और हम यहाँ पे आए थे कुछ सामान लेने के लिए। कोलगेट है, सर्फ है, नानी की साबुन है, तेल है और एक ये मिक्सर ख़राब हो गया था, इसे ठीक कराना था। तो मैं और शौर्य आए थे यहाँ मार्केट में, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, 5-10 मिनट का रास्ता है और काफ़ी रश है यहाँ पे। हाँ जी, तो जो हमारा बचा हुआ सामान था हमने ले लिया था और जो हमारा मेन पर्पस था वो भी हो गया और मेरे साथ आया है शौर्य। और ये जो पीछे स्कूल है ये शौर्य का स्कूल है और हम 5 से 7 मिनट में वापस घर पहुंच जाएंगे, तो चलिए वहीं मिलेंगे आपसे। ये देखिए मम्मी का तरीका, गांव में कम ऑयल में पकोड़े मम्मी कढ़ी के बना रही है यहाँ पे, और बच्चों ने ये भी रिकॉर्ड करा है, चूल्हे पे मम्मी बना रही है कढ़ी। तो यहाँ पे बेसन के पकोड़े बना रही हैं और पकोड़े निकालने के बाद फिर मम्मी ने इसी तेल में डाल दिया है प्याज लहसुन, वही जिसमें हम तड़का लगाते हैं नॉर्मल, मेथी दाना, सूखी लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, ये सब मम्मी इस तरीके से कढ़ी बना रही है। मम्मी कढ़ी बहुत टेस्टी बनाती है, गाँव की कढ़ी ना बहुत टेस्टी लगती है। तो बस कढ़ी बन रही है आज खाने में। ये देखिए घर की जो छाछ होती है मट्ठा, उसमें बेसन घोल के मम्मी ने रख लिया था और बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बारिश में चूल्हा ऐसा ही हो रहा है अजीब अजीब सा। तो चूल्हा मम्मी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बस या तो कढ़ी बनाती है, मतलब बहुत कम, नहीं तो बस गैस पे ही खाना बनता है सारा। जिस दिन मम्मी को कुछ ऐसा बनाना हो जैसे कढ़ी हो गया तो साथ में चावल भी इसी पे बना दी होंगे, हालांकि मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो थी नहीं, लेकिन कल आपने बोला कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लग रहा है कि बस मैं ही चली गई मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी बहुत खुश थी, बच्चे बहुत खुश थे, तो मुझे लगा कि बस मैं होके आ गई।
है स्नैक्स टाइम और टाइम हो गया है शाम के 5 बज चुके हैं। तो और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है, तो हमारा क्या चलेगा? स्नैक्स चलेगा और क्या चलेगा, कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स चलेगा। देखो कितनी सारी वैरायटी लाए था आगे। ये दुकान पे से सारी वैरायटी उठा के ले आया जो जो इन्हें अरे मिला। खिचड़ी बना देते हैं एक जगह मिक्स करके। ये देखिए यहाँ पे खेत में बच्चे पहुँच गए हैं और जो हमारी ट्यूबवेल है वो अभी नहीं चली, पानी फ्रेश नहीं आ रहा है, बंद है, धूप निकल रही है, शाम का टाइम हो रहा है। और मेरे घर पे ना बुआ जी की पोती, जो मेरी बुआ जी कल के व्लॉग में आपने देखी, बुआ जी आए थे तो उनकी पोती आई हुई है छुट्टियों में, काफ़ी टाइम से आई हुई है, वो भी वहीं पर है। तो ये क्लिप ना वही बना रही है, अंश मुझे बोल रहा था कि ये क्लिप ना मम्मी एसिका ने बनाई है। तो ये सारे हमारे खेत हैं, बहुत अच्छा मौसम इन दिनों का होता है, बारिश का मौसम, कभी धूप का, तो इस तरीके से हमारा ये खेत खलियान है। कभी जाया करते थे खेत में, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं गई हूँ खेत में, बहुत कम जाती थी, बस ऐसे ही कभी मन किया खाली घूमने के पर्पज़ से, ऐसा नहीं था कि मतलब हम खेत में बहुत ज़्यादा जाते थे। हाँ घर का काम मैं अच्छा खासा करती थी, भैंसों का दूध वगैरह निकालना वो मुझे बहुत अच्छे से आता था, तो याद आते हैं वो दिन। देखिए सब कुछ चेंज हो जाता है टाइम के हिसाब से, अब तो बहुत ही चेंज हो गया है, इतने साल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारा खेत खलियान दिखाते दिखाते शाम हो गई है, सूरज डूबने वाला है, बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभी जो फसल है, अब फसल धान की होगी इस टाइम पे, बाकी कोई ज़्यादा फसल की ना मुझे जानकारी भी नहीं है, खेतों से रिलेटेड मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी पहले भी। ये देखिए ये हमारा आम का पेड़ है जिसके ऊपर से काफ़ी आम तोड़ लिए गए हैं, पकने के लिए रखे हुए हैं, मेरे पास भी आए हैं, तो जो आपने कल के ब्लॉग में देखे। और यहाँ पे शगुन आ रही है, सारे बच्चे आए हैं, दोनों बच्चे अंश और श्रेय मेरे गए हैं और मेरे भतीजे भतीजी शगुन आ रहे हैं शौर्य, और मेरी एक और भतीजी बुआ जी की पोती जो है इसी का। तो सारे बच्चे खेत में अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पिछले ब्लॉग में आपने पूछा है कि शगुन और आर्य क्या स्टडी कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी आपने लोगों ने पूछा है उनका कि कैसा रहा था, तो अच्छा रहा था, वो मैंने आपको बताया है 2 बार शायद मैंने शेयर किया है पहले। तो अब शगुन जो है वो तैयारी कर रही है अपनी बीटेक की, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, बाकी उसको बीटेक करना है। और आर्य IIT की तैयारी कर रहा है, तो बस ऐसा ही चल रहा है, अभी तो थोड़ा सा छुट्टियों का टाइम चल रहा है ना बच्चों का। तो यहाँ पे बच्चे आ गए हैं घर, आ गए जी हम खेत में से, हमारा बस यही रह रहा था, खेत भी हम चले गए और अंधेरा हो गया है। बाहर एकदम मतलब अंधेरा सा ही हो गया, हम गए तो धूप सी में ही थे, बाइक अपनी इधर खड़ी है, ट्रॉली इधर, ट्रैक्टर उधर। और ये भैया अभी उतर ही रहे हैं ट्रैक्टर से क्योंकि जस्ट अभी अभी आए हैं, मैं तो पहले आ गया था बाइक पे। और यहाँ भैया जी पानी भर रहे हैं, इन्होंने कैंपर में पानी भरा है क्योंकि लाइट आ रही है। और मैंने ईशिका से नहीं मिलवाया ना, ये ईशिका है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, तो प्लान तो था ईशिका कल ही जाने का बट वो पोस्टपोन हो गया थोड़ा सा। और फाइनली ये भैया अभी नीचे उतर गए हैं विद लिटिल बिट एफर्ट्स। इस ट्रैक्टर पे कहीं जाने का मतलब है यू विल नीड ए मसाज। यस मसाज अच्छे से जाती है, ड्राइवर की नहीं होती, बाकी दूसरों का तो वाइब्रेशन पर लगा रहा है फोन। तो अभी ये भैया इधर ही बैठेंगे थोड़ी देर और मैं पता नहीं क्या करूँ, ऊपर जाऊँ यहाँ रहूँ, ऊपर जाता हूँ मैं, हाथ पैर धो लेता हूँ।
यहाँ पे बच्चों का थर्ड डे है ये, और बारिश हो रही है सुबह सुबह। और क्या हुआ है, ये जामुन टूट गई है और कितनी जामुन इसके नीचे फैली हुई हैं आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जामुन पड़ी हुई हैं ये देखिए। तो इस तरीके से ना ये जामुन के पेड़ पता नहीं क्यों टूट जाते हैं, पहले भी अभी तो कुछ टाइम पहले टूटे हैं, दो तीन मोटे मोटे इसके टहने बोलूँ, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी बची है बस ऊपर की, बाकी ज़्यादा टूट गई है इस बार। और बारिश यहाँ पे भी चल रही है, ये देखिए इतनी सारी जामुन इन्होंने मतलब वहाँ से ली है जो अच्छी अच्छी थी, जो नीचे टूट के गिर गया था पेड़ उससे। घर पे तो बारिश हो ही रही थी, और हरिद्वार में भी देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, दोनों जगह बारिश थी। आज की जो बारिश थी ये सभी जगह थी लगभग, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ थी, बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है, ठंडा मौसम हो गया है। और आज तो शायद मैं शॉप पे ना जा पाऊँ, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। देखती हूँ अगर रुक जाती है तो, मैं ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, क्या मेरा मन ही नहीं करता, मैंने बच्चे ही कर रहे हैं बस, वही काफ़ी है, अकेले बस बोर सी मैं हो रही हूँ, और वो तो शॉप है इसलिए टाइम निकल जाता है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये मेन मार्केट है यहाँ की शामली, और ये है शाम का व्यू। हम यहाँ पे आए थे एक कढ़ाई लेने के लिए, तो ये देखिए चौक है यहाँ पे, तो शॉपिंग हमने कर ली है और अब हम मेन हाईवे पे आ चुके हैं। शामली हमने छोड़ दिया है पीछे, तो अब हम दिखा देते हैं कि हमने शॉपिंग क्या की है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा रश था और जगह नहीं थी बिल्कुल भी। तो तीन तो ये ली हैं अलग अलग साइज़ की बास्केट सब्जियों के लिए, और दो प्लास्टिक के स्टूल लिए हैं, एक बड़े, एक मीडियम साइज़ का, एक छोटे साइज़ का। ये थोड़ा सा खाने पीने का आइटम है, ब्रेड है, और मेन आइटम जिसके लिए हम आए थे वो है एक स्टील की कढ़ाई। अभी अच्छे से नहीं दिख रही, बहुत सारा सामान है, तो घर जाकर अच्छे से दिखा देंगे आपको। तो चलिए अब हम चलते हैं घर, क्योंकि रोड देखिए कितना अच्छा बन चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज डे फोर। आए तो हम दो दिन के लिए थे, मतलब तीसरे दिन हमें निकलना था, बट थोड़ा सा सबका ही मन था फिर कि इतने दिनों में तो आए तो एक दिन और रुक जाते, तो इसलिए एक दिन और हम रुक गए थे। तो आज डे फोर है और फ्राइडे, तो
अब हम रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे। टाइम मैं बता देता हूँ आपको, 6:46 का टाइम हो गया है और भैया आ गए हैं नीचे से, क्योंकि भैया नीचे सो रहा था। और धीरे धीरे वो अपना सामान बटोर रहे हैं, और कल ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया मैं, बस ये लोग गए थे तो वहीं की रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि बस फिर कल मन नहीं किया, सोचा इन्जॉय कर लेते हैं। और कल पता है क्या हुआ, कल जो जैसे जामुन का पेड़ है ना ये, तो इसकी एक बड़ी टहनी तो मतलब पहले टूट गई थी, एक इसकी कल टूट गई थी, तो बहुत सारे जामुन नीचे पड़ी हुई थी पहले। वो हमने मिल के सुबह ही वो हमने मिल के पहले छाटी अलग, क्योंकि हमें जामुन भी ले जानी है। चलने का टाइम होने वाला है, बस थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। और अभी बारिश में यहाँ से तो दिखेगी नहीं, बारिश हो रही है, मतलब हल्की भी नहीं तेज भी नहीं, ठीक ठाक सी हो रही है। देखते हैं, गूगल तो बता रहा है कि थोड़ी देर में रुक जाएगी, चेक करते हैं, बाकी निकलना तो है ही फिर। तो चलिए मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद निकलते हैं। हो गए जी हम रेडी नाश्ता करके, और सामान भी ऑलमोस्ट रेडी। आए तो हम बहुत कम सामान के साथ थे, लेकिन जाएंगे हम बहुत सारे सामान के साथ, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अब, बट चलिए।